मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और नहा धो के ऑल सेट। पूजा वूजा भी कर ली है मैंने। और आजकल बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है, पहले सुबह उठ के ऑफिस, फिर जाके घर आओ, फिर उसके बाद कपड़े चेंज करके जिम, फिर घर आके फिर नहाना धोना खाना पीना, उसमें 2 बज जाते हैं। तो अभी बस खाना खाएंगे एक बार, और आज क्या है कि लोअर लेने जाना है। तो वो जब पिछली बार जाके आए थे तो उसने कहा था कि मंडे को आ जाना, लेकिन मंडे को क्या गोलू फ्री नहीं था, तो अभी वो फ्री है। तो अभी बस एक बार खाना वाना खा लें, फिर लोअर लेके आएंगे, क्योंकि जिम में एक लोअर और शॉर्ट्स की मतलब ज़रूरत है। वो जो थे मेरे पास वो टाइट हो गए कई और कई फट गए, तो एक बार नए लोअर और शॉर्ट दोनों लेकर आएंगे। तो खाना वाना खा लेता हूँ और फिर चलते हैं शॉप पे, और आपको भी दिखाता हूँ कौन सी शॉप है। और हाँ, आज बुधवार भी है तो गणेश जी के भी जाना है, तो शाम को जाएंगे, क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है आजकल। मतलब जून जुलाई जैसी गर्मी मार्च में पड़ रही है, बाहर नहीं निकला जाता, बाइक नहीं चलाई जाती, इतनी तगड़ी हालत ख़राब है धूप से। तो पता नहीं जून जुलाई में क्या होगा जब अभी इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है। तो अभी एक बार फ्री हो जाता हूँ। हाँ तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ, इंदिराज जी ने मुझे बुला लिया कि यार आ जाओ, मैं गाड़ी का कुछ मॉडिफिकेशन करवा रहा हूँ। तो उन्होंने जो नई बुलेट ली थी ना, उसका मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं, तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या करवा रहे हैं। तो गाइस अभी हो रही है गाड़ी की मॉडिफिकेशन, और ये रिम डल गई इसमें एस वाली, और उधर लेमिनेशन हो रहा है भाई का। और ये भाई कर रहे हैं लेमिनेशन इधर से, पैनल तो हो गया है, टंकी भी कर दी है, मरघाट करना बाकी है आगे वाला, और रिम डल चुकी है पीछे वाली। तो गाइस अभी गाड़ी खुली हुई पड़ी है, तो अभी मैं तो चलता हूँ घर पे, क्योंकि मुझे कोई काम है। Feel the waves cut through me, hypnotized. गाइस फिलहाल मैं गणेश जी के यहाँ तो पहुँच चुका हूँ, और अभी मैं नीचे बैठा हूँ जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है ना, वो जा रहे अंकल जी वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है, तो मैं यहीं पे बैठा हूँ अभी। और आशीष, विशाल और विशु आ रहे हैं, तो अभी उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनको फ़ोन करके कह दिया था कि यार तुम लोग रुको, वो तो पहले ही जा रहे थे। मैं एक्चुअली चले गया था आज इंदिराज जी की गाड़ी, मतलब जो नई बुलेट ली थी उन्होंने, उसमें वो कुछ मॉडिफिकेशन करवा रहे थे, तो मैं वहाँ चले गया था, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया, एक छोटी सी क्लिप ले पाया मैं, लेकिन काम पूरा होने के बाद वो, मतलब मुझे तो क्या गणेश जी के जाना था इसलिए मैं आ गया। तो काम पूरा होने के बाद एक बार वो फ़ोटो ज़रूर शेयर करेंगे अपने से, बाकी बहुत अच्छा काम होगा, अच्छी मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं, तो इसलिए मैं तो आ गया क्योंकि गणेश जी के जाना था। तो उनको फ़ोन करके कह दिया था मैं आशीष को, मैंने कहा यार तुम थोड़ी देर रुक जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, इसलिए वो अब आ रहे हैं और मैं उनका वेट करता हूँ अभी यहाँ बैठे बैठे, क्योंकि वो पैदल पैदल आते हैं सर की शॉप से। तो गाइस अब आ रही है टोली, दिखाता हूँ, वो सामने इनोवा खड़ी है ना, उसके पीछे से निकल के आएंगे अब। और ये देखो ये आ गए, तो गाइस आ गई है टोली पलटन अपनी, पहुंच गए ऊपर। और ये देखो दोनों कितने थक गए, देखो बैठ गए नीचे, शर्म आनी चाहिए कैमरा फ्रंट में करे। ये विशाल को देखो भाई को, ऐसे कहता सो जाऊं, बड़ी मुश्किल से मनाया इसको भैया। हेलो, ये क्या बांध लिया आपने? जय गणेश बोले एक बार। नरेश जी, जय गणेश, जय गणेश सर, जय गणेश भाई, जो प्रसाद दे दिया। अच्छा वो सब बिना उसके गए भी अंदर, जाए तुम विशु जाए क्या अंदर? चलो कौन फोटो खींच पा मैं
देखो फोटो शूट हो रहे थे भाई, थोड़ा आगा। हाँ अच्छा, इधर ये एंगल से ये किधर वाला? अरे यार भाई क्या जोरदार फोटो आ रही है आईफोन में तो। विशु भैया आप भी खिंचा लो यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, यार ये गलत बात है यार, आ जाओ। ओ माँ कभी आई गई, एक खींचे यार। कोर्स ले आए फोटो वर्क फोटोग्राफर। भाई फोटो ले रहा है बहुत तगड़ी। भाई बढ़िया फोटो आई है ना, दोबारा खींच फिर दोबारा खींच, बैक कैमरे से खींच दे। हाँ हाँ आप भी खींचाओगे भाई, एक बार दोबारा से फोटो खींच रहा है। तू भी खींचा ले भाई, आ गई क्या बढ़िया। अरे यार भाई भाई ये तो कमाल कर दिया यार तूने। अरे यार भाई क्या बात है यार, गजब यार गजब। भैया कितने पैसे लेते हो एक फोटो खींचने के आप? है भैया भैया गाली वाली कटती नहीं है आजकल, डल जाती है डायरेक्ट। जल्दी खेल दे वो Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight. Hello. और सही भी हो गया देखो, फेस एकदम ओके। भाई साहब 500 रुपए क्रीम लगा दी तो। 500 रुपए क्रीम लगा लियो? नहीं यार वहां सा भाई प्रिंट दी जा रही है। यार माउसो काई को बता जो कैसी क्रीम लगाया, आज तो चमक रहे हो यार भाई। अब माउसो जी वो देखो नहीं हुआ है न्यू कनेक्शन इस काम में आई है न्यू कनेक्शन। हां अच्छा व्हाट्सएप अकाउंट का हो गई गुप्ता जी की देखो भवन जी। गाइस गणेश जी के से आने के बाद मैं दोबारा गया था आज मेरी गेट इंदिराज जोरो के पास, तो गाड़ी में क्या है दिक्कत आ रही थी, जो एलॉय उन्होंने लगवाया था ना पीछे वाला ढंग से सेट हो नहीं पाया, तो फिर उसके बाद क्या है उसमें दिक्कत आ गई थी, ब्रेक मतलब एबीएस आते हैं उसके अंदर, तो एबीएस सही से चल नहीं पा रहे थे। तो अभी मतलब मस्त गाड़ी हो गई है एक नंबर, और मैं क्लिप नहीं बना पाया, भूल गया गलती से। तो एक बार कोशिश करेंगे एक बार कि सुबह क्लिप बनाए या कैसे भी करके एडजस्ट हो जाए, बाकी गाड़ी आप देखोगे ना एक नंबर लग रही थी गाड़ी, जिनाइन एक नंबर लग रही थी। बस अब उसमें एक ही काम रह गया, लेग गार्ड और साइलेंसर नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि ये सब बाद में लगाएंगे। आप तो आपके लिए ना मैं वो उसका लायो, फ्रिज का दिखाओ, फ्रिज का होल्डर लाई हूँ आपके लिए, ये बोल रही है। हाँ मना कर रहे हैं दूध तो बोल दे, मैं डेडी पी लेंगे तो फिर आप नहीं पियो तो मैं डैडी पी लूंगा अपनी पियो तो। तो गाइस फ्रिज का वाटर लाइए आपके लिए। तो अभी खाना पीना हो गया था मेरा, मैं गणेश जी के से आते ही खाना खाया, फिर उसके बाद गया था आज मेरी गेट, तो उनको फ्री हो गया है, लमसम उनका बिल बैठा है मॉडिफिकेशन में 12,000 रुपये समथिंग, उसमें भी मतलब अभी कुछ चीज़ें बाकी हो गई, मतलब उन्होंने फुल PPF नहीं करवाया, PPF ओनली टंकी पे आधा मरघट और पीछे के दोनों बॉक्स बस ये करवाया उन्होंने, और हेडलाइट चेंज करवाई है, हॉर्न लगवाए नए, इंडिकेटर ब्लिंकिंग वो मतलब वो लगवाई है जो इंडिकेटर बार बार जलते हैं बंद होते हैं वो वाला सिस्टम। तो अभी तो खैर सोते हैं, सोने का टाइम हो गया। तो गाइज ऐसी कुछ मॉडिफिकेशन हो गई थी इसमें, एलोज डल गए थे पीछे, और ये हॉर्न है जो कि बहुत महंगे हैं, और ये एलोय है, इधर से इन्होंने हेडलैम्प चेंज करवाया था, कुछ इस तरीके का हेडलैम्प है, और दिन में तो क्या ही जला कर दिखाएं क्योंकि दिखेगी नहीं लाइट, और लेमिनेशन था टंकी पे और दोनों पैनल्स पे मरघट पे, एंड देख लो इस तरीके की लुक आ रही है कुछ गाड़ी की बहुत ही अच्छी। और ये 2 दिन पहले की क्लिप है क्योंकि उस दिन तो मुझे काम था, सॉरी 2 दिन बाद की क्लिप है, उस दिन तो मुझे काम था इसलिए मैं चले गया था।
गाइज आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा, व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।